इंसानों के खून के सौदागरी के बाद अब जानवर भी इस सौदागरी से अछूते नहीं रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बरेली से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक गैंग पर सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से खून निकालकर बेचने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप एक संस्था के पदाधिकारियों ने शहर के कोतवाली थाने में शिकायत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि हमें गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। बता दें कि पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी धीरज पाठक, विक्रांत यादव, विकेंद्र शर्मा और मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी की शालिनी अग्रवाल को कई दिनों से एक ऐसे गिरोह के बारे में सूचना मिल रही थी जो सड़क पर घूमने वाले कुत्तों का खून निकाल रहा है और मोटे दाम पर उसे बेच रहा है, जिसके बाद पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर वैभव शर्मा नाम के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले कि सांसद मेनका गांधी ने पुलिस अधिकारियों को कॉल करके इस मामले की शिकायत की थी, वहीं दोनों शिकायतों के बाद कोतवाली में दोनों पक्षों को बुलाया गया, जहां पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी धीरज पाठक और वैभव शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। बता दें कि पीएफए संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वैभव शर्मा नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी करने वाली एक संस्था के साथ काम कर चुका है, इसलिए वैभव आसानी से सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को पकड़ लेता है और रसूखदारों को जब उनके कुत्तों के लिए खून की जरूरत पड़ती है तो वो वैभव से संपर्क करते हैं और इस काम के लिए वैभव 5,000 से 10,000 रुपए लेता है। वहीं वैभव का कहना था कि आरोप बिल्कुल निराधार हैं। वो लोगों की शिकायत पर कुत्ता पकड़ने और उनकी देखभाल का काम जरूर करते हैं, लेकिन उनका खून नहीं निकालता। ये सर बहुत बड़ा काम है, ये पिछले 8-9 सालों से हो रहा है। वैभव शर्मा नाम का एक लड़का जो नगर निगम के लिए डॉग कैचिंग करता था, धीरे धीरे उसने डॉग कैचिंग के साथ साथ ये देखा किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। जैसे ही एनजीओ इंचार्ज गुरुचंद जी सिंह आज से 8 साल पहले पता चला कि ये कुत्तों के साथ कूदता करता है, उन्होंने इसको भगा दिया, लेकिन ये तब तक काम सीख चुका था। अब ये क्या करने लगा है, ये जगह जगह जाके, जैसे इसको टाउनशिप में इसने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले नसबंदी करी थी, हमें पता चला श्रीमती मेनका गांधी जी ने वो बंद कराई, ये नसबंदी करता है उसमें तो उसे कम पैसे मिलते हैं 500, 600, 700, लेकिन एक ब्लड यूनिट की जरूरत होती है संपन्न परिवार के कुत्तों के लिए, तो वो ये ब्लड खींच के आयुर्वेद में ब्लड सप्लाई करता था और 8 से 10 हजार यूनिट बिकता। वही अब मामले को लेकर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोतवाल डीके शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।